लोग बोलते हैं लॉर्ड राम बट व्हाट मोदी इज डूइंग आई सी लॉर्ड कृष्णा इन मोदी। इफ बीजेपी वुडंट हैव डिक्लेयर्ड मोदी एज अ पीएम कैंडिडेट मे बी अन्ना वुड हैव बीन अ मच बिगर पर्सन। व्हाट इफ जिन्ना वुड हैव नॉट डाइड? नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ जिन्ना वुडंट हैव डाइड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द पोजिशन व्हाट दे आर नाउ। व्हाट इफ महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं? उनका यहाँ आना होता ही नहीं। तो ये ना बहुत ही डीप क्वेश्चन है। कुछ शानदार यूट्यूबर्स हैं जो डिक्टेटर डिक्टेटर बोल रहे हैं जर्मनी से बैठ के। यू आर कॉलिंग हिम अ डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर। अगर भाई वो डिक्टेटर होता ना यू एंड वुड हैव नॉट बीन अलाउड टू पोस्ट सच वीडियोस। व्हाट इफ राजीव गांधी वुड हैव सर्वाइव्ड? हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। व्हाट इफ कि इंडी ब्लॉक जीत जाए और नरेंद्र मोदी इस बार हार जाए। व्हाट इफ कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कभी आते ही नहीं। व्हाट इफ कि अगर अकबर कभी इंडिया में आते ही नहीं और वो अपनी जगह पे ही होता। व्हाट इफ अगर चंगेज खान होता ही नहीं। व्हाट इफ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसका नाम है चेकमेट क्रॉनिकल्स ऑफ न्यू भारत रिटन बाय आलोक जी, और वो बुक बात करती है व्हाट इफ के ऊपर। तो आज हम बात करते हैं आलोक जी से और क्या है ये व्हाट इफ, और व्हाट इफ कि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। तो आलोक वेलकम टू आवर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की। मतलब मेरा एक शौक है, मतलब मैं खुद राइटर हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि बुक्स के बारे में ना जितनी बात हो उतना अच्छा है। और आजकल की जनरेशन जहाँ हम जनरली कहते हैं कि रीडरशिप कम हो रही है, तो मैं लोगों को ना शो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि रीडरशिप कम नहीं हो रही है, बस आपको ना बुक्स की इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है। आप देखो मूवीज भी आज के डेट में आती है तो उनके भी टॉक शोज होते हैं, उससे पहले प्रमोशन होता है, बट कहीं ना कहीं हम ऑथर्स ना अपनी बुक्स के लिए वो नहीं करते। वी डोंट कंसिडर इट एज अ प्रोडक्ट। हम दो तरह में लिख दिया काम खत्म। एंड बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक ना किसी मीडियम से वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि यार बुक में है क्या। तो आपकी बुक ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। थैंक यू सो मच। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि वो व्हाट इफ की बात करती है। और जनरली लोग ना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा होता, कैसा होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप बताओ आपकी बुक में क्या है। मुझे तो पता है टू द व्यूअर्स कि व्हाट इज इन योर बुक, हु आर यू, आपने क्यों ये बुक लिखी। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली मेरी बुक में क्या है, सो यू नो हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, और यू नो और मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी हिस्ट्री, राइट विंग हिस्ट्री, लेफ्ट विंग हिस्ट्रीज, क्योंकि अदर देन फ्यू वेरिएबल्स द इंस्टेंसेस आर द सेम। क्या होता है ना हिस्ट्री में, कभी जब भी डिसीशंस लेते हैं, मीटिंग्स होती है, जैसे वी बोथ आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग में एक डिसीशन लेते हैं बट काफ़ी अल्टरनेटिव्स भी डिस्कस होते हैं। मैंने एक इकोसिस्टम बनाया और एन अल्टरनेट यूनिवर्स बनाया कि जो रियल लाइफ डिसीशंस लिए थे बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, अगर वो डिसीजन नहीं लेते बट सेकेंड बेस्ट डिसीजन लेते तो इंडिया कैसा होता। And obviously there are few events which have taken place in real, there are few documents I got access to, तो मुझे पता चला कि ये decision के पीछे इस you know इसका राज है, तो वो मुझे बहुत fascinating लगा। And then I started researching and then I created my own narrative. There are few variables changed, few things remained constant, then what would our history be like? तो मेरे सारे क्वेश्चंस ना व्हाट इफ से स्टार्ट होने वाले हैं आज। पहला क्वेश्चन, व्हाट इफ यू वुड हैव नॉट रिटन दिस बुक? तो कोई और लिख देता। नो सो मैं तो ये बुक तो बाद में आई, मैंने पहले तो ये स्क्रीन प्ले लिखा था, तो मैंने ये एक ओटीटी शो की तरह लिखा था, बट फॉर सम रीजन इट कुड नॉट मटीरियलाइज और मैंने बाद में बुक में कन्वर्ट किया। तो कहीं डलेंगे ओटीटी पर ना ज्यादा मजा आएगा देखने में, और मजा आएगा इसको देखने में, बट पॉलिटिकल थ्रिलर ना ऑल्सो, बट बिकॉज यू हैव रेड द बुक, व्हेन यू रीड द बुक ना आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये चैप्टर एक एपिसोड की तरह मैंने लिखा है। दैट इज मोर बिकॉज ऑफ अ सबकॉन्शियस बायस कि मैंने एक्चुअली बिकॉज इट वॉज अ स्क्रीन प्ले एंड देन कन्वर्ट द बुक, वो ऐसा फील हो रहा है, काफी लोगों को फील हो रहा है, बट हाँ दैट वॉज द You know the process, but हाँ अगर मैं book नहीं लिखता तो screen play तो था ही, hopefully कोई producer green light करे, but let's see।
व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इनकी बुक में खास बात क्या है। हम सबको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। इनकी बुक में खास बात क्या है, इनकी बुक में इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ है, पाकिस्तान नहीं है। जिन्ना, नेहरू, सरदार पटेल, ये सारे मिलके ना एक किसी और को प्रधानमंत्री बनाते हैं जो कि ना हिंदू है ना मुस्लिम, और फिर वो देश को कैसे चला रहा है ना, वही पूरी कहानी है कि व्हाट इफ हर सिनेरियो में कि अगर वो बंदा वहां पर है तो वो क्या डिसीजन लेगा। एक चीज आपकी बुक से समझ में आती है कि जो आपने व्हाट इफ बनाया है, अगर वैसा होता तो शायद इंडिया बहुत ही खूबसूरत होता। देखो सबके दो पहलू होते हैं, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इफ सो आई एम यूजिंग फ्यू टेक्निकल टर्म्स। सो कोई भी चीज का हम प्रेडिक्शन, व्हाट आई डिड वाज प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन है ना बहुत साइंटिफिक होता है कभी कभी। इट्स नॉट दैट अच्छा मेरे को ये मन हुआ तो मैंने ऐसा लिख दिया। देर इज साइंटिफिक वे टू डू प्रेडिक्टिव एनालिसिस। इन फाइनेंस देयर इज समथिंग नोन एज मोंटी कार्लो स्टिमुलेशन, वेयर यू पुट वन इनपुट वन आउटपुट और आप 1000 टाइम्स इटरेशंस करते हो टू गेट अ रिजल्ट। ये आप हिस्ट्री में भी कर सकते हो। दो डेटा पॉइंट लो लेकिन वेरिएबल चेंज करते रहो और जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना वुड बी द क्लोजेस्ट सिनेरियो। नहीं वही मैं करूं, आपकी बुक में ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी आपने सिनेरियोस लिए हैं और जो आपने व्हाट इफ डाला है वो कहीं से भी इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता। हाँ एब्सोल्युटली, बिकॉज यू हैव टू बी क्लोजर टू द हिस्ट्री। आई कैन नॉट जस्ट क्रिएट माय ओन वर्जन, यू हैव टू बी एज क्लोज एज रियल विद फ्यू वेरिएशंस। वही ब्यूटी है, मतलब जैसे आपको सेक्युलर वाला जो पोर्शन है जब तो कुछ दिन पहले मेरे शो पे उत्पल कुमार आए हुए थे, ही इज चीफ न्यूज एडिटर ऑफ ओपिनियन एडिटर ऑफ न्यूज 18। तो हम लोग इस तरह की बातें कर रहे थे उस शो में कि यार सेक्युलर वर्ड क्यों आया, किसने लाया। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने उसमें इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले सेक्युलर वर्ड नहीं था। व्हेन आई वाज रीडिंग योर बुक आई वाज रिलेटिंग टू दोस थिंग्स। अच्छा हिस्ट्री ये थी पर ये हो सकती थी। करेक्ट। तो पहला व्हाट इफ क्वेश्चन, व्हाट इफ की ब्रिटिशर्स इंडिया आते ही नहीं, व्हाट यू इमेजिन क्या होता। काफी पीछे चले गए, बट नहीं मैं उससे पीछे जाऊंगा। नहीं नहीं सी ब्रिटिशर्स कैसे आए, दे वर नोन बट ट्रेडर्स, दे नेवर केम टू रूल इंडिया। दे केम के हम लोग ट्रेड करते हैं, दैट्स हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी हैपेंड। सो दे wanted to do trading and that's how most of the rulers, like imagine one thing, ki agar Britishers would have come to invade India, you think our kings or our you know kingdom would have allowed them? No, matlab like it's like a direct attack, but they came as East India Company as a camouflage. तो उसकी तरह मतलब बिकॉज ऑफ दोज रीजंस इट बिकेम वेरी सीमलेस द इंटीग्रेशन इन द कल्चर विद द किंगडम्स विद द महाराजास बिकॉज दे बिकेम अ ट्रेडिंग पार्टनर। तो अगर ब्रिटिशर्स ना आते, अगर सो ये क्वेश्चन का दो पहलू है, व्हाट इफ ब्रिटिशर्स वुड हैव कम ओनली एज ट्रेडिंग पार्टनर्स, और अगर ब्रिटिशर्स आते ही नहीं। अगर ब्रिटिशर्स आते ही नहीं आर वर्ल्ड वुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट, वी वुड हैव लेस्ट influenced by Western civilization. I'm being very clear. हमारा जो culture है, we are culturally so rich because we have a 1000-year-old culture. What happened because of Britishers, other than the poverty and other stuff, is in education system, our way of thinking, the lifestyle became more westernized. So one of the biggest थिंग्स, अगर ब्रिटिशर्स ना आते और हम लोग अभी 2024 में बैठे हैं, वी वुड बी मोर सिमिलर टू, आई वुड से, एंड दिस इज अगेन प्रेडिक्टिव एनालिसिस, सिमिलर टू चाइनीज। चाइना में दे डोंट हैव दैट मच ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द इम्पैक्ट है नहीं। दे आर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, बट स्टिल दे आर अहेड इन लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज उन लोग ने अपने कल्चर को पकड़ के रखा है। नो अमाउंट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इंपीरियलिज्म, यू नो वॉर्स हैव अफेक्टेड देयर कल्चर, द ड्रैगन कल्चर हम लोग बोलते हैं। सो वन थिंग वुड हैव बीन आर थिंग, आर इकोसिस्टम और आर कल्चर वुड हैव बीन मोर यूनाइटेड एंड वी वुड हैव बीन, आई वुड से, लेस इम्पैक्टेड और लेस यू नो टूवर्ड्स वेस्टर्न लिबरलिज्म। मुझे एक चीज़ अभी लगती है कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते
तो शायद कई चीजों का मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो, लाइक द रेलवे लाइन व्हाट दे बिल्ट, या आज भी दिल्ली में लोहा पुल जहाँ आज भी गाड़ियां गुजरती हैं, ट्रेन गुजरती है, एंड देयर आर मेनी मोर कंस्ट्रक्शन. आप मुंबई से आए, वहां पे आपका इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, देयर आर मेनी मोर कंस्ट्रक्शन जो ब्रिटिशर्स ने करवाए हैं. सो मे बी शायद वो मॉडर्नाइजेशन और वो कंस्ट्रक्शन शायद उस लेवल पे नहीं जाते. तो जो ब्रिटिशर्स ने जो फर्स्ट ट्रेन चालू की थी बॉम्बे टू थाने 1851 में, या जो भी ब्रिटिशर्स ने आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर किए थे, द मेन पर्पस वाज टू सर्व देमसेल्फ्स. यू नो, अगर मैनचेस्टर से कुछ सामान आता था देन दे वांटेड यू नो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन. बट ब्रिटिशर्स के पहले भी देखो, शिवाजी महाराज, मुगल, दे हैड अमेजिंग आर्किटेक्चर. तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर न आते तो हमारे पास आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, डिफरेंट होता. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रेडिक्ट कैसा होता, बिकॉज साइंटिफिकली यू हैव टू रन अ लॉट ऑफ आइटरेशंस एंड ऑल. बट फ्रॉम कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, आप कोई भी एंड आई टेक चाइना एग्जांपल, बिकॉज चाइना वाज फ्यू कंट्रीज हु हैव नॉट बीन रूल्ड बाय अ वेस्टर्न एम्परर. तो आई टेक दैट एग्जांपल. बाकी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, दे वर इधर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ और फ्रेंच कॉलोनी और डच कॉलोनी, आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर तो भी होता, थोड़ा डिफरेंट होता शायद. डिफरेंट होता. तो मैं ना स्लोली स्लोली हिस्ट्री में आगे बढ़ रहा हूँ व्हाट इफ के क्वेश्चंस के साथ. तो व्हाट इफ जो आपका सिपॉय म्यूटिनिटी हुआ था 1857 में, वो अगर हो जाता, सक्सेस हो जाता, देन व्हाट इफ. So there are again two aspects. The Sipahi mutiny was against East India Company. It was not against the British Raj. ये rebellion के बाद Queen का थप्पा लगा कि that now there was a transfer of power from the East India Company to the Queen. So अगर mutiny हो successful हो जाती, then our I would say the Indian political, economical, social fabric would be very different. The reason was 1857 में independence मिला के अगर हमको मिल जाता, तभी तो कोई democratic setup था नहीं, because you know our constitution is based on you know 1935 Government of India Act and you know lot of other frameworks which have been passed by the British government. तो 1857 में इफ यू रिमेंबर व्हेन द रेबिलियन हैपेंड, द लास्ट मुगल एम्पायर वाज प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर, ही वाज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ इंडिया एंड अंडर हिम देयर वाज अ म्यूटिनी. सो आई वुड से दैट वी वुड हैव स्टिल बीन अंडर आई वुड से अ मोनार्क, जैसे अभी भी यूके में मोनार्क है. सो मोनार्की वुड हैव बीन कंटिन्यूड, बट कभी कब डेमोक्रेसी आती, कैसी आती, प्रेसिडेंशियल आती या पार्लियामेंट्री आती, वो बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, बट वी वुड हैव बीन अ मोनार्क. शायद ये भी हो सकता था कि फिर इंडिया इंडिया होता ही नहीं, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, सारे सारे अपने अपने आप में एक अलग अलग कंट्रीज ही होते, कंट्रीज ही होते, लाइक यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन ने बॉर्डर्स इतनी बार चेंज हुई है, लाइक देयर वाज समथिंग नोन एज प्रशिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, मतलब अभी बहुत सारी बॉर्डर्स चेंज हो रही है. इंडिया में शायद यही होता, बिकॉज सी प्लीज अंडरस्टैंड, वी बिकेम यूनाइटेड फॉर वन कॉमन कॉज टू थ्रो आउट द ब्रिटिश एम्पायर. उसके पहले तो किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, स्टिल 1947 में भी देयर वर 500 प्रिंसली स्टेट्स, डिस्पाइट यू नो वी वर फाइटिंग फॉर इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, स्टिल देयर वर 500 प्रिंसली स्टेट्स. तो इट वुड हैव बीन मोर लाइक आई वुड से यूरोपियन यूनियन, के शायद कि डिफरेंट स्टेट्स वुड हैव देयर ओन ऑटोनॉमी, बट देयर वुड बी फ्री पैसेज ऑफ मूवमेंट, फ्री ट्रेड, ऐसा हो सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ महात्मा गांधी इस मूवमेंट में आए ही नहीं होते, व्हाट इफ महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ही रहते, उनका यहाँ आना होता ही नहीं. तो ये ना बहुत ही डीप क्वेश्चन है, and you have to and I have to. So what if the question तो deep होता है? नहीं नहीं, इसमें ना आपको ये मेरा answer थोड़ा long होएगा. हाँ, continue please. Please understand, India ना, we are drawn towards leadership naturally. कि हमको एक
एंड आई विल टेल यू कल्चरली कल्चरली वी आर लाइक ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा दिस पर्सन इमेजिन समवन कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका कुड मोबिलाइज वन एंटायर कंट्री तभी तो सोशल मीडिया भी नहीं था तभी कुछ नहीं था और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स कल आए और महात्मा गांधी ने सबको ब्रिटिशर्स वर देयर सिंस 1757 बैटल ऑफ प्लेसी फिर 1857 हुआ फिर 1900 में महात्मा गांधी आए 200 इयर्स हां उसके बाद ही वाज द पर्सन हु मोबिलाइज्ड रेस्ट ऑफ इंडिया लास्ट 50 साल में हुआ नहीं था सो व्हेन इंडियंस रियलाइज्ड दैट एंड ऑब्वियसली बिफोर महात्मा गांधी देयर वाज कांग्रेस 1885 में जब हुई थी एंड देयर वर मॉडरेट्स एंड देयर वाज द एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस थे बट देयर वाज नॉट वन पर्सन हु वुड यूनिफाई सो वी आर फैसिनेटेड बाय लीडरशिप जब भी प्रॉब्लम्स आती है तभी हमको एक 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 सहारा दिखता है हाउ डिड मोदी कम टू पावर देयर वाज करप्शन देयर वाज स्कैम्स हमको बोला अच्छा ये मोदी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा पीपल सॉ महात्मा लाइक दैट इमेजिन महात्मा गांधी विदाउट रेजिंग गन कुड मोबिलाइज उसके मेथड सही है या नहीं है आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट बट बाय डूइंग दैट ही मोबिलाइज वन एंटायर नेशन अरे कल्चरली वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट बिकॉज वी हैव अ रिच सिविलाइजेशन हम अभी जब भी प्रॉब्लम में होते हैं वी थिंक अबाउट गॉड लॉर्ड हनुमान लॉर्ड राम लॉर्ड कृष्ण मतलब भगवान की कमी नहीं होती है बिकॉज वी सिविलाइजेशन वी आर वेरी रिच नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ यूएस यूएस इज अ न्यू कंट्री दे डोंट हैव अ रिच सिविलाइजेशन तो जब भी उन लोग में प्रॉब्लम्स आए लाइक द ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुम डिड दे सीक सोलेस दे क्रिएटेड सुपर हीरोज सुपरमैन बैटमैन कैप्टन अमेरिका बट बिकॉज इफ यू सी द डेट्स सुपरमैन केम इन 1939 बैटमैन ऑल्सो केम इन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1941 स्पाइडरमैन केम ड्यूरिंग 1962 वंडर वुमेन एंड हाउ दे वर पोर्ट्रेड के बैटमैन में गौतम सिटी था और न्यूयॉर्क हैव्स एंड हैव नॉट्स ही विल फाइट फॉर यू सेम विथ सुपरमैन स्पाइडरमैन व्हेन पीपल हैड लॉस्ट ऑल द होप्स They saw, okay, this superhero will solve our problem. Wonder Woman, this woman shows woman empowerment. अभी कोई इंडियन को बोलेगा कि Wonder Woman will solve or stands for woman empowerment, इंडियंस वाला क्या यार हमारे लिए तो माँ दुर्गा है कोई बोलेगा कि सुपरमैन है जो एक छत से दूसरा छत यू नो ही कैन फ्लाई एंड तो हम बोलते भाई हमारे तो लॉर्ड हनुमान ने ये कर दिया है So now you see the difference that we get influenced by values, humans, leadership. US as a country, they don't have that, and that's why they have created this fictitious world of superheroes. Ja, un log mein Avengers ya bahut badi hit hoti hai. Because the audience could relate. Hamare mein ek superhero hum log ne create nahi kiya tha, Krish tha, Hrithik Roshan na. Because we have heard stories of superheroes. Our ancestors have grown up with the stories of Lord Hanuman, Lord Krishna. True. फरक देखो. Very true. मतलब महात्मा गांधी अगर नहीं आते तो एक चीज प्रॉब्लम जरूर होती कि हाँ यूनिफाइड करने में सबको यूनिटी में लाने में ये प्रॉब्लम तो होती and he has done a good job in that. How I don't know, but I still and for some reason I'm still not able to decipher कि उसने कैसे किया. What was so amazing that और उसने महात्मा गांधी ने ना तो चंपारण से चालू किया था चंपारण से तभी तो न्यूज़पेपर और रेडियो ही थे एंड ही कुड मोबिलाइज एंटायर इंडिया विदाउट एनी प्रोटेस्ट ऑफ एनी लीडरशिप तभी तो कांग्रेस में लोग थे किसी ने तो ये नहीं किया ये कहां से आ गया सो देयर वाज समथिंग अबाउट गांधी विच अदर कांग्रेस लीडर्स And I would say other political party leaders didn't have, which he got. True. So then the question comes: What if Bhagat Singh would have been survived? तो क्या जो calculation है जो algorithm है वो बदल जाती? अब जैसे लोग कहते हैं कि अगर Bhagat Singh जिंदा होते तो शायद हमको
और कुछ साल पहले आजादी मिल जाती? ये आई डोंट नो अगर होता है या नहीं होता, बट प्लीज अंडरस्टैंड भगत सिंह लाइक एनी अदर यूथ लीडर, लाइक हमारे में यूथ लीडर्स काफी है बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर द प्लेस वेयर आइडियाज एक्सचेंज होते हैं. यू नो व्हेन यू बिकम मैच्योर्ड, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट. स्कूल में तो हम पढ़ते हैं, यू नो नॉर्मल हमें होमवर्क क्लियर करते हैं, एग्जाम पास होता है. इट्स अ कॉलेज वेयर वी स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स व्हेन वी फेस द वर्ल्ड. भगत सिंह had very different ideas as opposed to Congress. Obviously, he also wanted Purna Swaraj, which is 100% freedom. Yeah. But he was tilted towards communism, socialist ideology, towards Russia, towards Lenin. Yeah. So even if Bhagat Singh would have survived, how would he adapt to us not following? Suppose independence mil gaya. And please understand that during World War One, अगर independence मिलता, it would not have been a great thing because then 1929 में Great Depression आ गया. So it would have hit India or any country during that time. हमको independence क्यों मिला? Because Britishers had collapsed by end of World War Two. The Western powers collapsed. Russia. You know, there was Cold War happening between US and Russia. Yeah. And that time US and Russia were not into colonies or colonialism. That was more the monarch or the Europe. Abhi US ka thought process alag hai, abhi Russia ka. But that time US and Russia didn't have any colonies. So isliye humko independence mila because the entire Europe machinery had collapsed and that's why we got independence after the Second World War. First World War ke baad agar independence milta, tabhi there was no two powers of US and Russia. But sooner than later, because we got influence whether to take Russia's influence or US influence. 1921 mein ya 1925 mein abhi bhi agar Bhagat Singh zinda hote aur tabhi independence milta, so the question was, would we still go towards communism, towards socialism? Then India would have been quite different. Lekin tab India ka bantwara jaldi ho jata, kyunki soch divide ho jati. Exactly. Aur बंटवारा सिर्फ रिलीजियस लाइन्स पे नहीं, सोच का हो जाता. एंड सी, बिकॉज भगत सिंह लिव्ड ओनली टिल 23, वी डोंट हैव मच, वी डोंट नो मच अबाउट हिम बिकॉज मे बी एज ही वुड हैव बीन मोर मैच्योर्ड, हिज थॉट्स वुड हैव चेंज्ड, हिज थॉट्स वुड हैव बीन अबाउट समथिंग एल्स. बट बिकॉज वी डोंट हैव द लिटरेचर और वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, वेरी डिफिकल्ट टू से. बट ही वॉज क्वाइट प्रो Russia. Same with Subhash Chandra Bose. People ask me, अगर Subhash Chandra Bose पहले PM होते तो life would have been different. But he was also towards Russia. He had tilted towards USSR. And he was from the army. अभी तक इंडिया में आर्मी का रूल हुआ नहीं है. That separates us from Pakistan. Subhash Chandra Bose, because he was from army, Azad Hind Fauj, and he would have been the prime minister. There may be a अगर आर्मी कूप हो जाता और मे बी देयर वुड बी अ मिलिट्री रूल, दैट वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी. मेरा क्वेश्चन अगला वही था, व्हाट इफ सुभाष चंद्र बोस वुड हैव सर्वाइव्ड. सो सी, देयर टू एस्पेक्ट्स टू इट. सुभाष चंद्र बोस, पीपल, यू नो, मेनी पीपल पिट सुभाष चंद्र बोस अगेंस्ट गांधी, अगेंस्ट नेहरू, बट दे हैड वेरी सिमिलर आइडियाज. सुभाष चंद्र बोस हैड फुल फेथ इन कांग्रेस. They had full faith in Gandhi's leadership. The only thing he opposed was, where Gandhi and Subhash diverted, was Subhash Chandra Bose wanted us not to join World War II to help the British. Rather, he wanted us to support or get support from Germany and Japan. And Gandhi was against Hitler because that time Hitler was an evil. So my thing is, if Subhash Chandra Bose would have been alive, and my all due respects, if someone can seek help from someone like Hitler or Japan, the Japanese Empire, our economy or political style would be very similar to Russia, Vladimir Putin. One man army. Now, whether that's good or bad, वो हम लोग अलग से बाद में कर सकते हैं. बट
Because see, when you are talking about democracy, like you have to have absolute democracy, and we have a parliamentary democracy. It's called Westminster's democracy, which is very different from a presidential democracy. Subhash Chandra Bose, agar hote, and he would have gone for presidential style of democracy than parliamentary style. As per my thinking, but as like one person, one man, army ka importance. Could have been good, could have been bad, but I think that those were the main changes. So what if Sardar Patel hamare prime minister hote in spite of Nehru? So ye nahi chalenge dosto, what if, kyunki ki book hi what if hai. Nahi, main aur ye na, main myth break karna chahta hu, kyunki काफी लोगों को लगता है अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो पूरा इंडिया अलग होता, चेंज होता, बहुत ही डिफरेंट होता, हम लोग कहाँ से कहाँ होते हैं. ऐसा नहीं होता. एंड आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन व्हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर, एंड आई एम ट्विकिंग अ कॉन्स्टेंट, इफ ही वुड हैव लिव्ड, बिकॉज इफ ही वुड हैव डाइड, बिकॉज ही डाइड इन 1950 और 51, इफ ही वुड हैव बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड इफ ही वुड हैव डाइड इमीडिएटली, वी वुड हैव गॉन इनटू कायोस. That's what happened in Pakistan, because aapka founder, he expired. They were like headless chickens. They didn't know where to go. It's like you are in a company. Your boss is like, chalo hum log different company chalu karte hain. Bahut ho gaya ye company ka. We'll start a startup. And he takes one entire team of 20 people. And he only resigns from that company. You are clueless. That's what happened in Pakistan. See, why Pakistan is still suffering? Because unki foundation hi nahi hui. The person they were looking for, ki ye humko right. Otherwise, Jinnah was an intelligent man. He was like, Jinnah was not even Islamic. Abhi un log Islamic paake, but he was not even Islamic. He just wanted a separate Muslim right, and obviously ambition, power, problem with Nehru, his personal ambitions ke wajah se usne ye kiya. But he died and Pakistan didn't know what to do, and then they went into military rule and their constitution got changed and their foundation nahi barabar nahi li. So if Sardar Vallabhai Patel would have been the prime minister, and if he would have died on the same date that he has died, considering Nehru is not the prime minister, so two options hote, Raja Gopalachari ya Maulana Abdul Kalam, because those are the closest. So things would have been not that great, because you know both were not, they both didn't have leadership, Rajagopalachari or Abdul Kalam. Now coming to the keeping the death variable, he would have lived. What if Patel sahab would have lived? I would say the pehle to India would have been secular, because I keep on telling that we didn't become secular because of a change in preamble. Before change in preamble also we were secular by Article 14 and Article 15. So people think, अरे हम लोग secular by insertion of the thing word in, नहीं हम लोग by Article 14, when Dr. Baba Saheb Ambedkar wrote Article 14, we, because it clearly says equality before law, and it has been confirmed by various judgments. So there would have no changes in our religious thing. We would have been secular, and I assume partition हो गया है. So, अगर पार्टीशन हो गया है, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 370 नहीं होता, कश्मीर पूरा हमारा होता. ओके, एंड वी वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी वुड हैव स्टिल गॉन अहेड विद नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो नेहरू ने किया था, बिकॉज पटेल और नेहरू और एनीवन एल्स वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड the US concept of imperial, US concept of private companies. We would have still gone for non-aligned. But main bolu major change ka kya hota, we would not have been having linguistic division of states. ये नहीं होता. Because linguistic division of states 1955-56 mein hua tha, because of the protest in Andhra Pradesh and those areas. And please understand, aur ye na bahut important hai, when you are dividing states on linguistic basis, you are creating a divide in the language. And I'll tell you both merits and demerits. US jab independent bana di, it had 50 states, abhi bhi 50 states. When we became independent, we had
फ्यू स्टेट्स, और आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ, वी आर अराउंड 15 स्टेट्स आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात 15 स्टेट्स एट 1960, अभी हमारे पास 29 स्टेट्स होते जा रहे हैं। अभी गोरखालैंड का इशू पेंडिंग है. सरदार पटेल वुड हैव सेड नो लिंग्विस्टिक डिविजन, वी वुड डू इट एज पर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान था, बिकॉज वी वर इनिशियली डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स ऑफ स्टेट्स, लाइक द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, देन केम द प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़ एंड जो प्रिंस के थे, हैदराबाद, देन केम द कमिश्नर्स प्रोविंस, मैसूर, कन्नूर, एंड देन केम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो वी वुड हैव डिवाइडेड इनटू नॉर्थन इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, where a person in Mumbai could speak Tamil, Telugu, or a person in Kolkata could speak Konkani, a person in Chennai can speak Punjabi. Aisa hota tha. That would be better. Now I'll tell you, ye aapne ek scenario dekh liya. Now I'll tell you ke everything is not hunky dory, and I'll tell you why. So aapko to pata hai ke regional identity south mein jyada hai, like Tamil Nadu, they are very, you know, they speak Tamil, Karnataka people speak Kannada, but Hindi heartland mein regional identity nahi hai. Because Madhya Pradesh mein ho ya aap Uttar Pradesh mein ho, you can speak Hindi. Bhasha se aapko pata nahi chalega ye kahan se hai. So if you do regression analysis of any state, and regression analysis with predictive analysis of GDP growth and all factors of growth, take any South Indian state, say Tamil Nadu, and take any state in North, UP, HDI, Human Development Index, economic growth, social integration, trade, sab kuch aap ek graph pe plot karo, those states which have a very solid regional identity have performed very well. Okay. बीट कर्नाटका, बीट तमिलनाडु, और जो स्टेट्स अभी हम लोग क्यों बीमारू का जो वर्ड आया है, बिहार, यू नो राजस्थान, बिकॉज जो वर्ड आया था कि यू नो दीज आर नॉट डेवलप्ड स्टेट्स, एक भी स्टेट साउथ के नहीं थे. बिकॉज मे बी, एंड आई ऑल्सो वॉज शॉक्ड, मुझे भी ऐसा लगा कि अगर रीजनल बेसिस पे स्टेट नहीं होते, वी वुड हैव बीन बेटर ऑफ, बट द डेटा सेज अदरवाइज. In fact, even in North, Jammu Kashmir में regional identity है. हाँ, वहाँ पे वो कश्मीरी बोलते हैं. कश्मीरी बोलते हैं, ले लद्दाख में है, बोटी, you know that is the language and all. तो उसमें भी there are certain factors which have performed well than states in Rajasthan, UP, Himachal. Okay, and this is fact. This is fact. अब last, I would say Jammu Kashmir would be a wrong example because it's a because it had a special provision, but आप कोई भी साउथ का स्टेट यूज करो एग्जाम्पल में, जी डी पी, एच डी आई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉवर्टी, एक ग्राफ में प्लॉट करो और हर एक इंडिकेटर को ईयर बाई ईयर देखो, और स्टेट विद अ रीजनल आइडेंटिटी, विद स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा है. इंटरेस्टिंग. सो अगला क्वेश्चन वैसे मुझे पूछना था कि व्हाट इफ इंडिया वुड हैव नॉट डिवाइडेड, पर मैं पूछूंगा नहीं, वो बस वो लोगों को बुक पढ़नी चाहिए. क्यों बुक पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ इंडिया वुड हैव नॉट डिवाइडेड. बट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कि व्हाट इफ जिन्ना वुड हैव नॉट डाइड. नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज, और इसके दो पहलू है. इफ जिन्ना वुडंट हैव डाइड, पाकिस्तान would not be in the position what they are now. Because I assume that either Jinnah or Liaquat Ali Khan was the first prime minister, and you know Jinnah gave the baton to him. But if Jinnah would have lived, I would think Pakistan would be, now assuming lot of variables have changed, it would have been very similar to Turkey. And I'll tell you why. Jinnah was secular. Jinnah had very, he was more Western than
नेहरू. I've read somewhere. He was more Western than Nehru. Hmm. He had dogs. He would do. मतलब at that time he had proposed his wife at Taj. Proposal वो time पे concept ही मतलब इतना westernized नहीं था जितना जिना ने. And you see Jinnah's dressing. He was like full westernized. तो Pakistan would have been a secular state which is similar to Turkey. क्योंकि Turkey is also you know it had some European you know roots. It has obviously it was a Constantinople and you know it has a lot of history, but Pakistan ki halat itni kharab nahi hoti. And if you tell me, or many people are like, "Arey Jinnah passed away, that's why Pakistan is right now in a bad shape." That is also wrong, because from 1960 to 1970, the Pakistan growth rate was higher than in India. South Korea was taking lessons from Pakistan, the growth rate during this is during Ayub Khan's tenure, between 60 to 70, they had very good growth rate in every sphere. Ab un zam abhi to pata nahi, un zamane ke photos dekho, Lahore, Karachi ke, and we were failing back because they didn't take a non-alignment approach. They opened the economy. They were very progressive. Ayub Khan, but then kya hota na, military ruler aa jata hai, then it depends on that whim of that military ruler. Because Zia Ullah kha gaya, wo log 30 saal pehle पीछे चले गए. सो आई वुड से इफ जिन्ना वुड हैव बीन अलाइव, इट वुड हैव बीन मे बी वी वुड हैव अ फ्रेंडली रिलेशंस एंड इट वुड हैव बीन मॉडर्न डे टर्की. अच्छा, कमिंग मोर टुवर्ड्स टुडेज वर्ल्ड, व्हाट इफ राजीव गांधी वुड हैव सर्वाइव्ड? ये यू नो सो lot of things I would and say, and before that one more question actually, I just skipped it. What if Sanjay Gandhi would have survived? That would not have been a pleasant thing, because he was almost autocratic. I would say it, like emergency was declared and he was a dictator. So if Sanjay Gandhi would have survived, matlab it would have been bad shape. Matlab aur ek emergency ho jati hai, martial law ho jata, ya he would have been declared as a president, and I mean all things which were not pleasant, I would say, which would not have been pleasant. Now, Rajiv Gandhi was also an accidental prime minister, was pilot. Tha. He came into the picture because his mom was assassinated. And Rajiv Gandhi, na, the problem is he had a lot of ideas. He had a lot of vision of India. But that time, India was not prepared for his vision. And I'll give you a simple example. Dekho, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अभी तो सब पूरा देश करते हैं. डू यू नो विच वॉज द फर्स्ट शॉपिंग पोर्टल इन इंडिया, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल? मे बी अमेज़न. एक बाजी.com आया था. अच्छा. बाजी.com था और एक रेडिफ शॉपिंग था. रेडिफ शॉपिंग और बाजी.com करके था, जो बाद में ईबे ने ले दिया 2007-8. विजनरी प्लान, ऑनलाइन शॉपिंग वो टाइम पे, बट इकोसिस्टम डिड नॉट सपोर्ट दैट, बिकॉज़ तभी इंटरनेट ही एक नया था. अब ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते जबी लाइक पीपल नेवर यूज्ड टू हैव क्रेडिट कार्ड्स, तभी तो यू हैव टू पे एनीथिंग ऑनलाइन और बाय पेपैल. देयर वाज नो इंटरनेट डेटा, देयर वाज इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव, लिमिटेड टू यू नो फ्यू होम्स. सो व्हेन यू डोंट हैव अ सपोर्टिंग इकोसिस्टम, the most visionary idea will fall flat. No one can answer this better or can face this better than me. I'll tell you why I'm saying this. 2008, I started up an online portal, online grocery selling portal, voicetongues.com. Aap abhi google karoge aapko mil jayega. And I left everything, I left my job and all those things, and I was completely into that business. I was selling grocery. छोटे से स्टार्ट किया, लोकल मार्केट से सामान ला के स्टार्टेड सेलिंग. पहली प्रॉब्लम जो आपने कही, यस, देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कोई ऑनलाइन कार्ड्स नहीं, मेरे को टीम रखनी पड़ी. देयर वर पीपल हु एक्चुअली कुछ सेल्स लड़के थे जिनको जो उस पोर्टल से सामान लेना चाहते थे, दे गो एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम. वो पेमेंट उनके एक कार्ड में इकट्ठा होता था, एंड देन दे यूज दोज पॉइंट्स टू डू दैट शॉपिंग, क्योंकि और कोई सिस्टम था नहीं. तो वो अपने जितने पॉइंट्स से शॉपिंग करते थे उतने पॉइंट डिडक्ट हो जाते थे उसमें. सो फर्स्ट प्रॉब्लम, देन बड़ा वो चला.
पीपल वेर स्टिल देयर कि यार नई चीजें ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन घर पे सामान आ रहा है, पीपल स्टार्टेड परचेजिंग इट. और मेरा आई हैड अ गुड कस्टमर बेस. जब कस्टमर बढ़े तो ऑब्वियसली आई नीड गोडाउन्स, करेक्ट, स्टोरेज, वेयरहाउसेस, वेयरहाउस एंड एवरीथिंग. सो आई नीडेड फंड. हमने कुछ कैलकुलेशन किया उस टाइम पे, आई रिमेंबर समवेयर 3 crore to 5 crore का हमें लगा कि इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर दोस ऑर्डर्स. तब बताती फिर इन्वेस्टर बैंक इन्वेस्टमेंट की और बैंकर्स की ऑल दोस. सो आई वेंट टू बैंक्स कि भाई मुझे लोन चाहिए. उस टाइम सारे बैंक ने कहा कि नहीं नहीं आपको 3 साल की बैलेंस शीट चाहिए, आपको पॉजिटिव बैलेंस शीट चाहिए एंड ऑल दोस थिंग, या आप कुछ मॉडरेज रखो. तो किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं, वो टाइम पे प्राइवेट इक्विटी जैसा कुछ किसी ने कुछ नहीं दिया. जैसे कि ओके चलो छोड़ो, हम किसी इन्वेस्टर को ढूंढते हैं. सो आई वेंट टू इन्वेस्टर्स, आई नॉट नेम दैट. एक इन्वेस्टर रेडी, मैक्सिमम इन्वेस्टर ये कहते थे अरे आटा चावल दाल कौन खरीदेगा ऑनलाइन, आके घर के नीचे परचून से खरीद लेंगे. किसी को आटा खरीदे तो आया क्यों आएगा वो खरीदने. मतलब आई मेट मोर देन 20-30 इन्वेस्टर्स. सबका एक जब मैं सुनने कहते थे अरे यार साबुन खरीदने को तुम्हारी साइट पे क्यों आएगा, खरीद लेगा बगल वाली दुकान से जाके. नो वन वॉज हैविंग दैट विजन कि आप कोई ऑनलाइन ग्रोसरी भी खरीदेगा. करेक्ट. नो वन, ओनली वन अ वेरी बिग कंपनी, आई कैन नॉट कोट देयर नेम, दे एग्रीड. दे सेड क्योंकि वी इन्वेस्टेड बट वी विल टेक 95% एंड यू विल टेक द 5% बिकॉज यू हैव द आइडिया, यू डोंट हैव द मनी, वी आर इन्वेस्टिंग टू मच. एंड आई सेड नो. एंड फाइनली कुछ टाइम बाद आई हैव टू शट दैट डाउन, आई क्लोज्ड इट एवरीथिंग. बट बाद में मेरे ऊपर एक MBA बुक में ना उसके ऊपर चैप्टर लिखा गया, देयर इज अ प्रोफेसर हु एक्चुअली रिसर्च्ड इट, एंड उस चैप्टर का नाम ही है ये हाउ अ ब्यूटीफुल आइडिया फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी. सो वही मैंने आपकी जो बात है, मतलब आई कैन रिलेट इट. मैंने वो चीज़ फेस करी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है ये. तो दैट्स द एग्जांपल आई एम गिविंग. पीपल आर सेइंग अबाउट UPI and all that stuff. Now that is not because of the government. That is because of Jio. I mean, very frank. Jio ke pehle internet penetration kahan tha? And Vodafone, Airtel, there were so many places. Everything was expensive. So not only Jio. Mera sochna hai ki jo apka edge se leke 3G, 4G, 5G jo internet ki speed badi na, that is also one of the biggest factor. ये अपने आप में बहुत बड़ा बिगेस्ट फैक्टर है कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है. एब्सोल्युटली. एंड कमिंग टू द क्वेश्चन, राजीव गांधी वाज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स व्हेन द पल्स ऑफ इंडिया और द मेन हार्ट ऑफ इंडिया, द रूरल इंडिया, कुडंट रिलेट. दे वर मूव इनटू मंडल रिजर्वेशन जॉब्स एंड फॉर देम कंप्यूटर इज लाइक थ्रेट. कि वो व्हेन यू आर हाफ ऑफ द कंट्री, more than half is looking for only one thing, jobs. और आप बोल रहे हैं कंप्यूटर है जो ना आपका काम करेगा. सो यू नो ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. सो राजीव गांधी हैड रेवोल्यूशनरी आइडियाज बट ही स्टिल लॉस्ट द इलेक्शन ऑफ 89 बिकॉज वन वॉज बोफर्स, बिकॉज ऑफ बोफर्स. बट मोर देन बोफर्स आई थिंक पीपल कुड नॉट कनेक्ट टू हिज विजन. एंड यू नो दैट्स वॉट आई थिंक दैट यू हैव टू बी पार्ट of the common man. When Mahatma Gandhi came, I think Gopal Krishna Gokhale told him in one of the big party they were having a high tea party, like, you'll not find India here, travel the India, travel in train and see what India is. So Rajiv Gandhi, agar PM, agar if he was alive, it would not be that he would have won all the elections. Till he wouldn't been in the same level of the आम जनता, it would have been the same. So इसी से एक और क्वेश्चन आता है, what if कि रिजर्वेशन सिस्टम है, ये होता ही नहीं, there would have been no reservation, ना OBC, ना SC, ना ST, nothing, all equal and all one. ये क्वेश्चन बहुत ही important है, but इसको प्रेडिक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट. बिकॉज सी वी आर अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. जातिवाद या आई वुड से द हायरार्की, द कास्ट हायरार्की हैव बीन पार्ट ऑफ अ सिविलाइजेशन. बिकॉज ओरिजिनली योर कास्ट मीन्स योर ऑक्यूपेशन. ब्राह्मीन मीन्स एडुकेटेड एंड यू नो क्षत्रिय मीन्स हु वुड प्रोटेक्ट, यू नो हु वुड बी द जो रक्षक है. Vanyas means the businessman and Shudra means the people who do household work. So wo
चलते आया एंड इट गॉट एक्सप्लॉयटेड फॉर सम ऑफ द अदर रीजन. बट कहा अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो दो चीज होती थी. वन इज दैट यस मेरिट के बेसिस में आर कंट्री वुड हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आईआईटी में रिजर्वेशन, मेडिकल में रिजर्वेशन, बट डिवाइड और बढ़ती है. कास्ट डिवाइड और बढ़ती है. इट्स लाइक रिच बीइंग रिचर. जो एडुकेटेड सालों से है, उनके पूर्वज जो एडुकेटेड है, दे आर गोइंग अहेड. एंड जो लोअर कास्ट के है, दे आर नॉट, दे कैन नॉट कम्पीट बिकॉज दे डोंट हैव द रिसोर्सेज. Now that is a fact that reservation in during the year 1947 was a requirement. During 1950 when constitution was made, it was a requirement because Baba Sahib Ambedkar, jisne constitution ki rachna ki hai, unhone life dekha hai. He was himself from a, you know, he was a Dalit. And he has gone through those things, and for him to study law and to become the person who has created constitution was not easy. वो एक मूवी है आई थी आरक्षण, हमने पर देखी हुई. उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि मुकाबला करेंगे सब लोग बट स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट रिजर्वेशन शुड नेवर गो, इट शुड स्लोली गो, माय पर्सनल ओपिनियन. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई अंडरस्टैंड सो मेनी इयर्स ऑफ यू नो आई वुड से कास्ट टिज्म और अपॉर्चुनिटीज वर नॉट गिवन कैन नॉट बी रेक्टिफाइड. बट जो अभी ओरिजिनल पर्पज के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन हुआ था वो फुलफिल नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से. बिकॉज इवन इन US दे हैव द सेम प्रॉब्लम वाइट एंड ब्लैक्स एंड देयर इज समथिंग नोन एज अफर्मेटिव एक्शन. देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द ब्लैक्स बट ब्लैक्स आर इफ यू सी डेमोग्राफिक्स मोर पॉवर्टी amongst blacks, more imprisonment, more number of women who are unmarried but have a kid among blacks. Maybe because they don't get the same starting line. Maybe. But it's true that slowly reservation. It should. Because main purpose abhi fulfill nahin kar raha hai. And I think so, ye toh nahin hona chahiye ke reservation ka pratishat badha do. ग्रेजुअली कम होना चाहिए. हमारे में बढ़ा रहे तो वो मुझे मतलब ये पॉलिटिकल है. मतलब वी शुड नॉट एनकरेज दिस थिंग अकॉर्डिंग टू. सो तुमको मैं नेक्स्ट व्हाट इफ मार्क जुकरबर्ग को एक दिन सपना नहीं आया होता सोशल मीडिया बनाने का एंड देयर वुड हैव बीन नो फेसबुक इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया. सो आई विल टेल यू वन थिंग. सोशल मीडिया होता, अभी वो फेसबुक नहीं होता. बिकॉज इवन एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन द इको सिस्टम. बिकॉज पीपल टॉक अबाउट वेब थ्री क्रिप्टो एंड ऑल्सो बट पीपल शुड नो. अभी लॉट ऑफ पीपल लाइक वेब थ्री लाइक, तो मैंने बोला वेब वन वेब टू क्या है वो पता नहीं है. वेब वन वॉज नॉर्मल इंटरनेट, जो हम लोग डेटा आता था, यू सी ईमेल्स. वेब टू वॉज सोशल मीडिया, इंटरक्टिव इंटरनेट. एंड वेब थ्री वॉज crypto and you know digital accounts and all that stuff. So internet ka boom 1999-1998 mein hua tha, matlab originally 96 mein hua tha, when hotmail, yahoo, crazy valuations again, and then again bubble burst 1999-2000, and that's where Facebook started because internet was having a flat line. मेल्स आ गए थे, हॉटमेल, याहू, एओएल था. नाउ व्हाट नेक्स्ट, देन बिकेम सोशल मीडिया. सोशल मीडिया तभी 2004 में, अगर आपको याद होगा अभी मेरी जनरेशन में, तो एओएल एमएसएन था, एओएल था, याहू चैट थे, चैट रूम्स थे बहुत चैट रूम्स करे. एमएस आईसीक्यू था, आईसीक्यू करके एक पोर्टल था, एमएसएन था, एओएल था, और हाईफाई था पहले. फर्स्ट ओ माय गॉड प्लेटफॉर्म पहले थे, आए थे, सोशल मीडिया तब भी था. फेसबुक कुड हैव इट द राइट नोट्स बिकॉज दे टारगेटेड फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज.
where they got their maximum crowd. Because क्या होता है ना, when anything is exclusive, उसकी importance बढ़ जाती है और कुछ सबके पास होते हैं. That time Facebook was restricted to Ivy League colleges. अरे इसके पास Facebook है. उसके बाद भी जब वो open हुआ, then it was like जिसके पास request आएगी, he can only join. Same with Gmail. Everyone could not access it. Hotmail तो था ही ना सबका. Gmail कैसा आया? अच्छा, it became a status symbol. अरे मेरे पास Gmail account है. अरे मेरे पास Facebook account. That's how Facebook got created. So अगर Facebook नहीं भी होता, तो either of the social media platforms होता, world would have been connected. ये status symbol Apple का चलता है. Apple का फोन है. कितना ही महंगा आ जाए, लोग status के लिए खरीद लेते हैं. हाँ, मतलब consumerism, capitalism, that's what US economy is. So coming to the more hot topic, जो आज चल रहा है. What if अन्ना हजारे movement would have not happened? So this is also a, and I'll link this to my first answer. When मैंने क्या बोला था कि Indians जब भी कोई problem आती है, this look at leadership कि कोई हमारी problem solve करेगा. जब scams आए, I think 2013 was coal scam, Nirbhaya rape incident, coal scam, 2G scam, other scam, and people were frustrated. People were like, who is there to help us? Anna Hazare started the Lokpal bill. Lokpal se chalu hua tha. And then it started it converted into a nationwide agitation against the government per se. So same thing happened. Ke, okay, koi hai jo, who can help us? Anna aya. But kya hua? Anna got then replaced by Narendra Modi. Narendra Modi. Because 2014, agar, if BJP wouldn't have declared Modi as a PM candidate, maybe Anna would have been a much bigger person. But with Modi coming into the picture, Anna ki zarurat thi nahi logo ko. Because people have seen Modi's track record. And when I say track record, it's administration record. And you know, every time people talk like, who is better, Rahul or Modi? Rahul or Modi? I would say this question I cannot answer because Rahul Gandhi's administration capacity I cannot measure because he has never held any position. So there is no data points for me. He could be a very good CM. He could be a very good PM. He could not have been, but data points hi nahi mere paas. For Modi, people saw the progress in Gujarat. And this is the biggest problem of Congress also. Because Rahul Gandhi ka project to karte ho, par unke koi data points nahi. Data points nahi hai. And see, I think that the biggest mistake he made was during UPA 2, he should have taken a cabinet ministry. Koi bhi, like even Indira Gandhi was the Minister of Information and Broadcasting. When Nehru was the Prime Minister. So she had the experience of ministry, cabinet. Rahul Gandhi has no experience of running. And I'm not saying that he would be a terrible person or he would be a great person, because for that I need data. I don't have the data. Now, if you tell me, now do a comparison of Yogi and some other person, I can do a comparison by same. I can plot a graph and do a comparison ke har ek, every year or every quarter GDP, Human Development Index, social fabric of the state, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. एंड दैट इज अगेन आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन इज कि वी वॉन्ट लीडरशिप फ्रॉम अ पर्सन विच इज नॉट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. वॉट इज वेस्टमिनिस्टर सिस्टम? वी इलेक्ट एमपीज, द एमपीज इलेक्ट पीएम, वी डोंट इलेक्ट पीएम. अभी ये कर दिया है where we are voting for Modi, but that is not our Indian democracy. You are voting for your MP. The MPs have to be educated enough to then decide who will be the PM. UK mein last 3 saal 4 prime ministers change hue because they could not deliver on Brexit, they could not deliver on price rise, they could not deliver on immigration, they could not deliver on so many issues, so they had to resign. They lost confidence of the house. But the party is the same, Conservative Party. In India, in
एटलीस्ट वॉज देयर इवन वन इंसिडेंट के मोदी विड्रो फार्म लॉस, किसी ने बीजेपी एमपी में किसी ने ये बोला वी नीड द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम मोदी, वी नीड हिज रेजिग्नेशन बिकॉज वी हैव सडनली बिकम अ अगेन द सेम थिंग, दिस पर्सन दिस इज एंड दैट इज वन ऑफ द डिलेमा. बिकॉज मैं ये क्वेश्चन किसी को पूछ रहा था कि टुमारो इफ आई वॉन्ट टू रिलाई ऑन माई एम पी सो ही हैज टू बी एडुकेटेड इनफ टू नो वॉट इज हैपनिंग इन द बिल. क्या हो रहा है, कैबिनेट क्लियर्स द बिल, एम पीज विल जस्ट डू दिस 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 एंड द बिल इज क्लियर. यू थिंक इज देर एनी बिल वेर इफ इट इज बाई पी एम और एच एम एंड द बीजेपी एम पी विल अपोज इट, हुआ है कभी? नहीं. यूके में हुआ है बिकॉज इट इज एंड आई एम अ लॉयर. इट सुप्रीम कोर्ट में ये काफी बार क्वेश्चन होते हैं, हु इज सुप्रीम, पार्लियामेंट और कोर्ट, पार्लियामेंट और कोर्ट. It is parliament or court, it is not PM or court. Parliament is one of the most powerful institution is because we have to give powers to MPs. Gumanaship ho gaya. And I would not blame Modi or anyone. I would blame our Indian perception of following a leader that he will, from Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi would solve our problem. Started from Mahatma Gandhi. It goes with everyone. Now, everyone. अगर आप कांग्रेस में देखो तो वही है कि everyone is following Rahul. They don't know कि मतलब वो सही होगा या गलत होगा. Indian, Indian common system because we like हमारे लिए before also our culturally Lord Hanuman, Lord Maa Durga, Lord Ram, we seek solace to a figure. US में अगर कल Trump नहीं है या Biden नहीं है, Republicans would appoint and someone else, Democrats would appoint someone else. Same in UK, conservative would appoint someone else, Labour would someone else. People will not crazy name would aayega to Rishi hi. Aapne suna hai? Nahi. So what if is baar ke elections mein Modi wins, BJP wins? Which is, I think so. It's not what if, I think so. I can say it is. By the time the podcast would record, result aa chuka hai. So let's assume Modi has won. Now the thing is, it's how many seats. If he has won landslide, like BJP has got full majority, only BJP, then I think so it would be like the previous government, more control, more control on the economy, decision making power, good national security decisions, good cabinet. कुछ शानदार YouTubers हैं जो dictator बोल रहे हैं जर्मनी से बैठ के जो आजकल नहीं, I understand. वो you know क्या होता है ना, अभी election season में ये सब चलता रहेगा. Election season के time पे ही YouTube आते आएंगे. And see in a democracy, democracy gives you the right to call someone a dictator also. मुझे हाँ, मुझे बड़ा मतलब मैं चाह रहा था कि वीडियो बना के इस पे डालूं. You are calling him a dictator, dictator, dictator. अगर भाई वो को dictator होता ना, तो you would have not been allowed to post such videos. Absolutely. इतना बोल ही नहीं सकते थे. I would say that I am praising the current government, but मेरा mixed answer है. I'll give credit to the founding fathers of the constitution. जिसने नींव इतनी अच्छी रखी है, because balance of power, there's a separation of powers, judiciary, executive, or parliament, proper separation of powers. We have not even once army coup हुआ है. So our institutions, whoever says what, जिसको जो लगना है लगने दो, our institutions are still powerful. Now, people may debate ke yaar, they are influenced. I'll say they can be influenced, but they are still powerful. They cannot be controlled. They cannot be controlled. Now, abhi log bol rahe CBI and ED are controlled, but aapne CBI aur ED ki reporting hi home ministry rakhi hai. The law itself says that they are controlled. So they controlled ho gayi. But Supreme Court cannot be controlled. So, you know, please understand that आप बोल रहे सीबी एंड ईडी वो तो गवर्नमेंट के नीचे ही है, बट वो तो सालों से गवर्नमेंट के नीचे है.
I mean, there's nothing, nothing new, nothing like rocket science. So, I mean, initially, and you know, the thought process was ki, you know, they would work impartially, but and I would say, har ek government mein CBI ho ya EDO, it was a political tool and has always been a political tool, and I tell you, and I'll tell you the reason, because it's not that BJP is not with flaws. It's also called the washing machine party. Mm. जिसने भी scam किया और BJP में चला गया, he has clean chit. ये हुआ है. Now there is a very good, I would say, relation to what I think. There are two laws of ethics, school of thoughts, deontological and consequentialist. अभी आप, and I'll give you two examples, महाभारत और रामायण, दोनों इतने अलग है. रामायण में we are taught कि be just, be fair, be true to your words, forget the outcome, जो सत्य है वही करना चाहिए. That's what रामायण is. और भगवान राम ने क्या किया, कौशल्या या कई कई ने बोला तुम 14 साल वनवास चले जाओ, चले गए, फिर वापस आए, फिर एक धोबी ने बोला कि ओके हाउ कैन यू नो यू बी विथ योर वाइफ हू हैज स्टेड विथ समवन एल्स, और राजा का धर्म क्या है, प्रजा की सेवा. उसने राजा का धर्म निभाया और सीता को वनवास भेजा. दैट इज कॉल्ड कि सत्य है वो करना है. महाभारत में क्या है, ends justify the mean, outcome is more important, not the means. क्योंकि महाभारत में हर एक, आप कैरेक्टर में नाम लूंगा, वो छल से मरा है. आप कर्ण को ले लो, सारे दुर्योधन को ले लो, द्रोणाचार्य को ले लो, द्रोणाचार्य को ले लो, भीष्म पितामह को ले लो, या फिर अभिमन्यु को ले लो, जयद्रथ को ले लो, सोलर एक्लिप्स किया था. Everything was done by violation of rules and law, but it is justified because जब ही धर्म और अधर्म के बीच में चुनना पड़ता है, then it is outcome that matters. इस अब मतलब जब तक podcast आएगा उधर तक 400 पार. तो वो लोग बोलते हैं Lord Ram, but what Modi is doing, I see Lord Krishna in Modi. And when I say Lord Krishna, I'm not giving him the figure of Lord Krishna. I mean, I'm again clarifying. But what Krishna said, even if we have to do something outside the box or by violating a law, it is justified as far as it is in favor of dharma. So when BJP does anything, clean chit to some, and BJP or bonds ho, ka issue ho, ya Manipur issue ho, and as I said, BJP is also with flaws. But log ye mante hai, and when I say that Lord Krishna ne bhi to yehi kiya tha, cheat. But you being a lawyer, jab chalo maan liya ki BJP ke under aati hai CBI, ED, aur clean chit dete hain, washing machine hai. Us time pe court kya kar raha hai? Supreme Court to nahi under. So I'll tell you that. As a Supreme Court, हल्का सा पोल्यूशन बढ़ जाता है तो अपनी कमेंट दे देते हैं. तो द प्रॉब्लम इज, और दिस इज अ मेजर इशू इन जुडिशरी स्पेशली द आईपीसी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन होता है, सीबीआई का लॉयर होता है. सो सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स इन इंडिया, दे रिलाई ऑन एविडेंस, दे रिलाई ऑन विटनेसेस एंड एविडेंस. इवन इफ दे नो दैट ये ही है राइट, दे विल नॉट, कैन नॉट पास अ जजमेंट टिल एविडेंस इज नॉट इन फ्रंट ऑफ. And that is the beauty of the judiciary, because that takes away the personal biases. So जब ये CBI और ED होती है, and problem is there are laws also sometimes, like you know, usually bail is the rule and jail is you know, exception. In certain cases it's reverse, and few things can be amended by parliament only. Supreme can interpret the law, not change the law. Parliament is under BJP, and BJP will not let that law change. So Supreme Court is following the law and interpreting the law. So they also cannot do much when these things happen, because you need, again I said, it's a parliament is supreme in certain things. And when I say parliament, it is not the PM, it is the MPs.
गुड, तो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे व्हाट इफ का। ऑल्दो क्या ये पॉडकास्ट जब तक आएगा तक इस व्हाट इफ का आंसर मिल चुका होगा लोगों को, फिर भी आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। व्हाट इफ इंडी ब्लॉक वुड हैव बीन, यार ये क्वेश्चन का आंसर वुड हैव बीन आई वुड से मैं बेटर देता अगर ये इंटरव्यू एक दो वीक पहले होता, क्योंकि दो तीन फेजेस बाकी थे, जो स्पीचेस थे वो अभी मैंने देख लिया है। सो इंडी ब्लॉक अगर जीतता, एंड आई कैन सी इट वेरी कैटेगरिकली, कोई भी पार्टी अगर पावर में आता, बीजेपी आया, कांग्रेस आए, कोएलिशन आए, इंडिया विल स्टिल बी अ ग्रोथ स्टोरी बिकॉज इट्स लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। सी ए जी आर, वी आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ अ पॉपुलेशन, इट्स लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। जो 97, 96 to 98 की क्या सरकार थी, मिली भगत सरकार थी, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, आई के गुजराल बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने, बट देर आर नो पॉलिसी डिसीशंस, देर वॉज पॉलिसी पैरालिसिस। सो आई वुड से अगर इंडिया अलायंस होता तो मिली भगत सरकार कोएलिशन पॉलिसी पैरालिसिस वुड हैव बीन अ, इट वुड बी अ रियलिटी। मेन इश्यूज पे तनाव होता विच आर इंडस्ट्रियल इश्यूज, एंड आई वुड से इंडिया वुड हैव स्टिल ग्रो बट नॉट एट अ पेस वेर यू नीड अ फुल डिसाइसिव गवर्नमेंट। इन फैक्ट आई वुड प्रेफर, एंड दिस इज वॉट स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो प्रेफर, इधर फुल कांग्रेस और फुल बीजेपी, बिकॉज दे वॉन्ट सर्टनिटी। 2004 में जब लेफ्ट पार्टीज की वजह से कांग्रेस जीती थी, मार्केट क्रैश हुआ, बट देन दे मेड एन इकोनॉमिस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर, मार्केट रिवाइव्ड। 2009 में व्हेन सेम कांग्रेस हु वन डिसाइसिवली विदाउट, मतलब अलायंस की डिपेंडेंसी कम हो गई, लेफ्ट की डिपेंडेंसी बन गई, मार्केट रीच अपर सर्किट। सो आई थिंक फुल मेजोरिटी फॉर कांग्रेस एंड बीजेपी इज रिक्वायर्ड फॉर decisions, good decisions, firm decisions. India alliance में वही problem होगा, back to 96-98 model. True, मेरा ही वही सोच रहा है ऐसे। तो यार बहुत अच्छा लगा बात करके, मतलब we started from what if, from the start till what we have, जो भी चल रहा है situation, और शायद viewers को भी मजा आएगा सुनने में कि what if कैसा होता। But truly, your book is very nice. Thank you. मैं viewers से भी request करूँगा, you can go and buy it from Amazon. Checkmate नाम है book का. It's a beautiful book. वो बात करती है इस topic पे कि अगर हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नेहरू ना होके एक पारसी लड़का होता, जो कि ना हिंदू है ना मुस्लिम है, and नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, they all would have supported him to run this country. और वो कंट्री कैसे चलती, वो बुक उसके बारे में है। ब्यूटीफुल रिटर्न बुक, हर चैप्टर में आपको एक नया चैलेंज मिलेगा और उस चैलेंज को कैसे हैंडल किया है सिचुएशन में, इट्स माइंड ब्लोइंग। और उसी लिए हमने आज सारा व्हाट इफ बात किया, क्या व्हाट इफ ही बात करते हैं कि क्या होने वाला है। सो गाइज गो एंड बाय दिस बुक, लिंक हमने उसमें डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड बाय दिस बुक। तो आलोक एक छोटा सा एक रिचुअल है मेरे शो का, हम लास्ट में ना एक बुक डांस करते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपके आपसे शूट करने से पहले भी हम एक शूट कर रहे थे, तो वो शाहरुख खान के ऊपर शूट था, हम शाहरुख खान के स्टेप्स कर रहे थे। तो एक छोटा सा डांस आपसे भी चाहूंगा मैं फॉर 10 सेकंड्स। ओके, बिकॉज़ इट्स अ पॉलिटिकल बुक, पॉलिटिकल सीजन, आई विल डू अ पॉलिटिकल डांस। या श्योर श्योर। तो गाइस हमने यहां बात,
सेकंड मंथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।